Assalamu alaikum and hello people, what's up? Welcome back to Shokadak Reaction. मैं मोशाविस. मैं मोदिनायत. Okay, so क्या react करने वाले हैं हम लोग? अब आज react करने वाले हैं आतिफ असलम का एक नया गाना आया है भाई. शायद मैं अभी देख रहा हूँ thumbnail. इसका नाम है अजनबी. Official music by आतिफ असलम featuring माहिरा खान, जो कि माहिरा या माहिरा नहीं था, तो माहिरा होता है शायद. तो माहिरा खान को फीचर कर रही है. तो माहिर इसमें पहली बार देखने को मिल रहा है हमको शायद इन दोनों का टुगेदर पेयरिंग. नो, ये एक सीक्वल है गाने का. अच्छा, मुझे तुमने exactly तो पता नहीं. अच्छा, बट आई थिंक आतिफ असलम एंड माहिरा ने पहले काम किया है कोई म्यूजिक एल्बम के लिए. ओके, एंड ये सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें सुन रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं. यू कैन लेट अस नो इन आवर कमेंट बॉक्स क्या सही है क्या गलत है. सो दिस अजनबी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो आतिफ असलम फिट माहिरा खान. आई थिंक पश्तो सॉन्ग अली जफर का तुमने देखा था. हम लोगों ने रिएक्ट किया था वो, और उस पे कॉपीराइट क्लेम भी पड़ा है. कॉपीराइट क्लेम हो गया और वो वीडियो ब्लॉक हो गया. एक्चुअली मैंने डिस्प्यूट के लिए डाला है, अगर वो डिस्प्यूट क्लियर हो गया तो डेफिनेटली मैं यू नो वो वीडियो पब्लिक हो जाएगा. ओके, सो उसमें हम लोगों ने कहा था कि वी वांट टू सी यू नो लिसन आतिफ असलम इन उनकी आवाज. ओके, ओ या आतिफ असलम ने वो ख्वाहिश पूरी कर दी है. चार दिन पहले आ चुका है और हम लोग चार दिन से बैंगलोर में नहीं थे. सो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम लोग ये रिएक्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज अजनबी. सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन. उससे पहले अगर आप लोग हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इसके लिए डिटेल्स हमने दिए दिए हैं. ओह, एंड लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. Tired of cold calling? Introducing Lucia. The easiest. बड़ा हुआ तो. It's there. What did I just spoke in Urdu, man. Yeah. Without my knowledge. मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा आपको. पार्टी करना, पार्टी करने की बात कर रहे हैं वो. ब्रेकअप होने के बाद किसी ने बढ़ाया किसी ने उड़ाया दिल जल्दी हवा में चलाया. My eyes are closed but I can see दिल अब ना ठिकाना ना कोई बहाना ना कोई फसाना. Nice shot. अच्छा, I got it now. मुझे कुछ समझ नहीं आया. ओके, मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया, बहुत ही कंफ्यूजन था ये. ओके, बट आई एम जस्ट गेसिंग वो यू नो आतिफ असलम जो है वो वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं.
अगेन हमारा जो डीओपी है ना, आई वांट टू गिव हिम अ अवार्ड, तंबूरा अवार्ड, सबसे खराब वाला डीओपी. दे दे भाई, दे दे भाई, दे 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 दे. ओके सो नहीं वो पार्टी कर रहे थे और वो माहिरा को देखते हैं वहाँ पर वॉक करते हुए, और वो फिर पास्ट में जाते हैं कि वही सिचुएशन वहाँ पर हुई थी. आतिफ यू नो जो डीजे हैं वो कर रहे हैं, माहिरा आती हैं, वो शी इज क्राइंग और वो ऊपर जाती हैं, बैठती हैं, ही गोज गोज टू हर एंड वो बात करते हैं, वो उनको यू नो. अच्छा अच्छा हाँ ओके हाँ. इस बंदे का आज कंट्रोल लेवल बहुत लो है, मैं कर रहा हूँ देखो जिगरा हां, सेल्फ कंट्रोल मेरा कितना है. नहीं नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उनको वीडियो में ले आ जाएंगे, देन विल बी सेफ. हां दैट्स व्हाट वी विल डू. या वी विल गेट हिम टू द वीडियो. हां या यू सेड समथिंग, व्हाट हैपेंड देयर. क्या बोल रहा था मैं, दैट व्हाट वाज हैपनिंग इन द डिस्को, लाइक शी वाज प्लेइंग दैट ही इज अ डीजे. सो पास्ट, या आई थिंक सो, वो पास्ट को याद करते हैं. अच्छा, कि वो जो सिचुएशन हुई थी, वो जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उनको यू नो कंसोल. तो इससे पहले का गाना है वो जो अपना मतलब सीक्वल है बोल के शायद. नो आई डोंट नो, आई डोंट नो दैट, आई एम जस्ट गेसिंग. क्योंकि अब्रप्ट बहुत स्टार्टिंग हुई इसकी, द इनिशियल वेरी अब्रप्ट, मतलब लगा नहीं कि कुछ ऐसा लगता है, कुछ कहीं से कहीं कंटिन्यूशन है उसका बोल के लग रहा था उसे. या वाज फीलिंग दैट मे बी आई थिंक वो अगर देख लें हम लोग उसका यू नो प्रीक्वल देख लें तो शायद पता चल जाएगा शायद. बट यहाँ पर मुझे वही लगा कि उसके बाद अजनबी वो यू नो अजनबी सो वो मिलते हैं, कंसोल करते हैं, दे डेट ईच अदर, मे बी रिलेशनशिप वगैरह होता है. लेकिन आफ्टर सम डेज अगेन द सिचुएशन हैपनिंग, ये यहाँ पर डीजे हैं, माहिरा खान आती है और वो उनको देखते हैं, दे कम टूगेदर बट दोनों इग्नोर करके जाते हैं. अजनबी अजनबी If I'm not wrong. भाई मैंने ज्ञान तो बहुत बांट दिया यहाँ पर, बट आई डोंट नो कि मेरा ज्ञान कितना सही. Maybe, आप मेरी बजाओ मत कमेंट बॉक्स में, मैंने सिर्फ गेस किया था ये. भाई मेरा है वो. Okay, anyways. Asalul Rehman said. It is that के सबसे पहले तो I'm very shocked कि यहाँ पे पहली बार मैंने एक डिस्को पॉप बेस्ड मैंने सॉन्ग देखा. मैं पहली बार मैंने कोई भी पाकिस्तान म्यूजिक एल्बम इस तरीके का देखा हमने. ओके, मैंने अभी तक ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं है पाकिस्तान का, दिस इज द फर्स्ट वीडियो. इनफैक्ट हम यहाँ पे हैं जहाँ पे ये जो ये दो नाम जहाँ पर जुड़ जाते हैं, तो वी कांट से दे आर द ओनली द पाकिस्तानी आर्टिस्ट, दे आर आल्सो द इंटरनेशनल, दे आर इंटरनेशनल फेसेस, दे हैव वर्कड इन इंडियन मूवीज एंड वो पाकिस्तान एंड दे आर द इंटरनेशनल आर्टिस्ट. यहाँ पर हम लोग नहीं बोल सकते कि ये पाकिस्तान का एल्बम है, बट या बट अच्छा है ना कि हम लोग तीन दिन से यहाँ पे यही पार्टी वार्टी सब चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है. यू नो कल वो इसी वाली कल हम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे और वहाँ का इतना खराब म्यूजिक था, शायद ये गाना बार बार बजाते तो हम लोग नाच देते. और ये बंद ऑन दो गाइस, सॉरी फॉर दैट यू नो, वेरी अनप्रोफेशनल टुडे, वेरी वेरी मच एंड आई नो. ओके So, yeah, and I think इसके वजह से इसकी जो अंदर की भावना है ना, भावना संगीता पूजा एवरीथिंग वो बाहर नहीं निकल रही. उसको ले आएंगे इस बंदे को, ये है कैमरे के पीछे, उसको ले आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, then we'll be safe. And you know him very well. हाँ अब देखोगे तो आपको पता पता याद आ जाएगा ना. मैं इसका बदला कब निकालूंगा मुझे वो भी पता है. ट्रूली ट्रूली कब निकालना है पता. हाँ तो यह अजनबी का आई रियली लव्ड इट एंड बहुत दिनों के बाद एक ऐसे डिस्को सॉन्ग में जहाँ तक मैंने देखा था एज फार एज आई रिमेंबर, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें तू जाने ना का जो एक रिमिक्स वर्जन आया था रणबीर कपूर का, वहाँ पे इसने भी आदित्य ने भी एक शायद कुछ दो तीन शॉट्स दिए थे वहाँ पे रिमिक्स वर्जन में, तो वहीं पे वो डीजे टाइप में थे ना, ही वाज देयर. बट द बेस्ट ब्लेजर ब्लैक एग्जैक्टली, बट द बेस्ट पार्ट इज के उस जमाने में जैसे लग रहे थे आज उसे कहीं ज़्यादा बेहतर लगते हैं. हाँ यार ये बंदा कितना एज में, सेम ही इज ओवर 30 आराम से, ही इज ओवर 30. He's over 30 and you know when I saw him like 7-6 साल पहले, his type of singers वाला सलमान खान, you know who never age, no, बूढ़ा ही नहीं होता कभी. First of all पाकिस्तान के actors never age. और यहाँ पर एक है जो okay come on. तो चलिए यार, so we loved it, we gonna give some time for the next videos also. तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के बारे में, ये रिव्यू बिल्कुल पसंद नहीं आएगा हमारी बजाओ गया, बट हम बैंगलोर जाने के बाद विल मेक अ प्रॉपर एनालाइज वीडियो ऑन दिस क्या हो रहा है. या तो बस यहाँ अभी के लिए इतना ही कंटेंट भरने के लिए. आतिफ असलम के फैंस बैठ के बोल रहे थे हम लोग कुछ सुनना चाहते हो और आप कुछ बोल रहे हो, सालों निकलो यहाँ से, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं. तो चलिए फिर अगली वीडियो से मिलते हैं, तो इसके लिए इतना ही, ज्यादा शायद कुछ ज्ञान नहीं हुआ आज ज्ञान, बट अगेन हमने किया देखा एंड वी लव्ड इट एंड इट इज गुड, सो दैट्स ऑल यू कैन से फॉर नाउ. ओके हां ओके.
हम लोग एक्चुअली यहाँ पर यू नो बैठे हैं, हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो हमेशा हमारा यू नो जो पीछे कैमरा मैन होता है वो या मुबारक या विनोद होता है, आज वो बैठा है. अच्छा तो मिलते हैं. ओके एनीवेज मेरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है व्हाट व्हाट शुड आई से बिकॉज ऑफ हिम. ओके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. एंड दिस इज मोहम्मद शाविस, मोहम्मद इनायत साइन. मुझे और एक चाहिए, वो साइनिंग ऑफ.